नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष नोटियाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सबका रियाज चल रहा होगा हमेशा की तरह। तो दोस्तों, आज का लेसन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखते हैं तो आपकी कई सारे मतलब बोल क्लियर हो जाएंगे, और जो प्रॉब्लम आपको आती है ज़्यादातर की बोल साफ नहीं होते हैं, तिट या त्रिकेट आपने किस तरीके से साफ करना है, इस ये कंप्लीट बेसिक ऐसा लेसन है जिसमें आपको कई सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ये तो तीन ताल का कायदा है, लेकिन इसको बजाने से आपका मतलब बोल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कायदा तीन ताल का है तो हम इसे सिर्फ तीन ताल में ही बजा सकते हैं। कायदे दिए ही इसीलिए जाते हैं ताकि वो हाथ को कायदे में ला सके, ठीक है। इसकी आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, कितनी देर करनी है, वो सब हम वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी जो फिलहाल एक बहुत ही ज़रूरी जो है जानकारी देने वाला हूँ मैं अभी वीडियो में फिलहाल, जैसे कि आप देख रहे हो चैनल के नीचे जहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है उसके बराबर में ज्वाइन का बटन इनेबल हो चुका है। तो अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है वो बताऊंगा मैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो केवल 159 रुपये दे के आप ज्वाइन कर सकते हैं। उससे होगा ये कि अगर आपको कोई समस्या आती है तो मैं आपको कॉल करूँगा, खुद आपका नंबर लूँगा। ज्वाइन करने पर सिर्फ मेंबरशिप ज्वाइन करेगा, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तबले से या ढोलक से कोई भी किसी भी संबंध में, तो उससे मैं आपको उसको आप गाइड कर सकता हूँ, या जो मुझे पता है या जो नॉलेज है वो मैं आपको बताऊँगा, या आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन निकालूंगा। और बाकी अगर आपको ये लगता है कि मेरे बजाने में या फिर इस हाथ से ही रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, तो इसके लिए आप महीने में एक बार मेरे से वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपने रखना, वो एक तरीके से कि ऑनलाइन क्लास होगी जो कि मंथ में एक बार आप फ्री आपको मिल जाएगी हो, ठीक है। तो ये और भी उसके बहुत सारे बेनिफिट है अगर आप ज्वाइन करते हैं तो, जैसे कि कई सारी पोस्ट ऐसी होती हैं ढोलक तबला से रिलेटेड जो मैं पब्लिश नहीं करता हूँ और उनको मेंबर रखता हूँ, मतलब कि जो मेंबर चैनल पे जुड़े हुए हैं सिर्फ वही लोग उसको देख पाएंगे। और जब कभी मैं अगर जैसे लाइव करता हूँ तो लाइव में आपने देखा होगा बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो अगर आप उसमें कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट सबसे हाईलाइट होगा और थोड़ा बड़ा होगा, और उसका रिप्लाई भी जल्दी मैं दिया करूँगा, क्योंकि कमेंट जल्दी से ऊपर ऊपर चले जाते हैं तो दिखाई नहीं देते, लेकिन जो मेंबर्स होते हैं उनका कमेंट काफ़ी देर तक स्क्रीन पर रहता है जो कि जल्दी से दिखाई दे जाता है, और भी आपको कई सारे फीचर मिलते हैं। तो फिलहाल ये थी पूरी जानकारी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ज्वाइन करें, कोई ज़्यादा मतलब महंगा नहीं है, बहुत ही कम प्राइस इसका है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं आज का लेसन स्टार्ट। देखें इसका आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले जिनको बेस बजाने में प्रॉब्लम आती है या फिर जैसे तिट बजाने में प्रॉब्लम आती है, ये भी मैं आपको बता दूं कि सबसे टफ बोल जो है और सबसे ज़्यादा रियाज करने के लिए जिस बोल के लिए बोला जाता है खासकर तबले या ढोलक में, तो वो होता है तिट। तिट का रियाज और तिट बजाना थोड़ा टफ होता है, वो आपको भी पता है। अगर आपका तिट साफ हो गया, क्लियर हो गया, तो इससे आपकी त्रिकेट भी क्लियर हो जाएगी, हाथ में वेट भी आएगा और कई सारी चीज़ें, ठीक है। तिट दो तरीके के बताए जाते हैं, एक उल्टा तिट बजाया जाता है और एक सीधा वाला। तो हम इसमें सीधा वाला तिट का यूज हमने करना है, और इसी तिट की ज़्यादातर प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे होता यह है कि सीधा तिट आपका क्लियर होगा तो उससे त्रिकेट भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपको त्रिकेट में भी काफ़ी इंप्रूव आपको देखने को मिलेगा, और वजन भी बढ़ेगा, वेट भी आएगा हाथ में, और क्लियरिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपने इसका प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको दबा दें और नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर दें, उससे आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाएंगे, ठीक है। अब देखें इसके बोल हैं। सबसे पहले आपने बोल बिल्कुल समझ लें और इनको लिख लें, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और स्लो स्पीड में प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें धा गे, धा आपने स्लिप आगे करना है, धा गे पीछे, फिर तिट तिट, ठीक है। धा गे तिट तिट, फिर आएगा धा गे तिट धा गे, ठीक है। फिर ती, तू आपने खुला बजाना, ती ना गे ना, ठीक है। ये फर्स्ट पोर्शन अभी आपको मैं बता रहा हूँ, पहली वाली लाइन, दूसरी वाली इसके बाद, पहले आप ये समझ लें एक बार फिर से, ठीक है। धा गे ती ट ती ट, ठीक है। धा गे ती ट धा गे, ठीक है। फिर ती ना गे ना, और स्लो में देखें एक बार फिर से। धा आगे स्लिप किया, गे पीछे, फिर सीधा वाला तिट दोनों उंगलियों से, यहाँ ती ट ती, ठीक है। फिर धा आगे स्लिप किया, गे, फिर ती त, फिर धा गे ती, आपने इस तरीके से बजाना, तू जैसे बजाते हैं, ती ना
और फिर आएगा गे, पहले वाले उंगली से गे ना, हो गया आ गे री टी धा गे टी धा गे टी ना गे ना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड इसका खाली है, किस तरीके से, ठीक है, खाली वाला पार्ट है आ के टी अ टी धा गे टी धा गे धी ना घी ना, ठीक है, धी ना गे ना, ठीक है, धी ना गे ना, इस तरीके से धी आपने यहाँ से बजाना है इन दो उंगलियों से, ठीक है, धी ऐसे यहाँ पे मैदान के ऊपर ती बजाना है और यहाँ एक दोनों एक साथ बजेगा तो धी हो जाएंगे, ठीक है, धी ना, ठीक है, धी ना, और फिर है गे ना, इस तरीके से आपने बजाना है। एक बार फिर से देखें खाली वाला पार्ट आ के टी टी, शुरू में हम धागे बजा रहे थे, अब जो खाली में क्या है, खाली में हमेशा बेस ज़्यादातर नहीं बजाया जाता है, ता का यूज होता है तभी वो खाली माना जाता है, ठीक है, ता साइड में बजाया के ऐसे ता के फिर तिट तिट, ठीक है, धागे तिट धागे धीना गीना, इस तरीके से, ठीक है, धागे तिट तिट धागे तिट धागे धीना गीना ता के तिट तिट धागे तिट धागे धीना गीना। इसको दोबारा देख लें खाली वाला पोर्शन ता के, ठीक है, टेट टेट, फिर है धा, आगे स्लिप करना है धा हमेशा धागे टेट, ठीक है, फिर धागे, फिर धी ना गे ना, ठीक है, धागे टेट टेट धागे टेट धागे धी ना गे ना। बहुत अच्छा प्रकार है, एक बार फिर से देखें, ठीक है, इस वाले खाली खाली वाले पार्ट को, ठीक है, ता के टी अ टी अ, इतना हो गया, फिर इसके बाद है धा गे टी अ धा गे धी ना गे ना, ठीक है, ना ऐसे साइड में, इस तरीके से आपने बजाना है। बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत आनंद आएगा इसको बजाने में, जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। एक बार शुरू वाला और पूरा वाला पार्ट लास्ट टाइम अच्छे से आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ठीक है। शुरू वाला क्या था, धागे स्लिप किया गे, फिर ती अ टी अ, ठीक है, हो गया धा गे टी अ धा गे, ठीक है, ती ना गे ना, शुरू वाले पार्ट में ती ना गे ना है, ठीक है, ती ना गे ना। खाली वाले पार्ट ता के, ओ सॉरी, ता के टी अ टी, ठीक है, धा गे टी अ, फिर है धा गे धी ना गे ना। ये हमारा पार्ट था, और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे चाहे तबला हो या ढोलक हो। थोड़ा सा ढोलक में भी मैं आपको इसको दिखा देता हूँ आपने किस तरीके से इसको बजाना है, तो देखते हैं ढोलक में आपने इसको किस तरीके से बजाना है, ठीक है, देखें सेम है शुरू वाला पोर्शन, धा आगे स्लिप किया, ठीक है, बेस सेम बजेगा ढोलक में जैसे तबले का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, धा गे टी अ टी, ठीक है, धा गे टी अ धा गे टी ना गे ना। यहाँ आपने ती, सिर्फ फर्क यहाँ ये है कि ती आपने पहली उंगली से नहीं बजाना, इस वाले से ती ऐसे बजाना, ठीक है, थाप से ती ना गे ना। खाली वाला पोर्शन है ता साइड में ए टी अ टी अ धा गे टी अ धा गे धी ना गे ना। ती आपने इसकी बजाय इसी से बजाना है, इतना फर्क है और कुछ नहीं है, बताया इसलिए ढोलक पे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। धा आगे स्लिप किया धा गे टी अ टी, ठीक है, फिर धा गे टी अ धा गे टी ना गे ना, फिर इसका खाली
फिर धा गे दी ना गे ना, इस तरीके से एक बार इसको फिर से देख ले लास्ट टाइम, फिर इसके बाद एक बार बजा के मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा, ठीक है। धा गे ती ती धा गे ती धा गे ती। अब देखो तबले पे तो बजाएंगे ऐसे तीन, लेकिन ढोलक पे बजाएंगे थाप से, ती ना गे ना, ठीक है, ती ना गे ना ऐसे। फिर इसका खाली है ता ए ती ती धा गे ती धा गे धी, यहाँ पे धी का यूज करना, ठीक है, धी ना गे ना, इस तरीके से, ठीक है। तो एक बार मैं इसको आपको बजा के दिखा देता हूँ ये बजेगा कैसे, ठीक है, तबले पे, ठीक है। तो सिंगल आपने पहले बजाना है धा गे ते ट ते ट धा गे ते धा गे ती ना गे ना धा गे ते ट ते ट धा गे ते ट धा गे धी ना गे ना, ठीक है। अब इसको थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं इसकी, तरीके से आप इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आगे आप कैसे लेसन चाहते हैं, कैसे लेसन अपलोड करने चाहिए, तो कमेंट जरूर करके मुझे बताएं। और जो फ्रेंड्स ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ही मैसेज करें या फेसबुक पर, मैं आपको वहीं आपको बताऊंगा जो भी मतलब प्रोसीजर है ऑनलाइन क्लासेस का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अच्छे से रियाज करते रहें, ठीक है, ध्यान रखें अपना और रियाज करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तबला ढोलक सीखें को और दबाएँ बेल आइकन भी, जिससे आप पा सकें हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले।